गुजारा ऐसे नहीं, इतने माल को गा कौन पावे, कौन डाले। हाँ ये बात है अंकल की जो है ना, ये इतने इतने मवेशी कितने दिन हुए हैं आप लोगों को वहाँ से रवाना हुए? चैत्र को। चैत्र मतलब को वो कौन सा महीना होता है चैत्र? कच्चे हाँ से लथे हैं आबादी। अच्छा हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड भाई के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, तो आज का ब्लॉग लेके आए हैं हम लोग डेजर्ट कैमल के, जो पाकिस्तान में कैमल वाले लोग जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो कैसे गुजारते हैं और किस तरह से गुजारते हैं। तो आज का ब्लॉग जो है ना ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो भैया से भी मिलवाएंगे जो ऊँटों वाले हैं, कैमल वाले हैं, उनसे भी आपकी बात भी करवाएंगे, आज उनसे बात भी करेंगे। तो जी मेरे घर आए थे, इन्होंने कहा जी हमें इनको पानी पिलाना है और ये दाबरा जो है ये हमें देना है। तो इंडिया और हम लोग जो है कभी इसको दाबरा भी बोलते हैं। तो जी मैंने दिया इस भैया को दाबरा और ये भैया जो है इनको ऊँटों को जो है पानी पिला रहे हैं। कुछ इधर इस साइड पे ऊँट खड़े हुए हैं और कुछ जो है इस साइड पे ऊँट खड़े हुए हैं और कुछ जो है उस साइड पे जो है वो ऊँट खड़े हुए हैं, वो भी पानी पिला रहे हैं और इस साइड पे भी हो गए वो भी पानी पिलाएंगे उनको। तो मैं जो है इनकी लाइफ जो है आज इन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऊँटों वाले की जो लाइफ होती है वो कैसे होती है और कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो चलते हैं इनकी तरफ कि ये जो लेके घूमते हैं ये भगोला साइज से कहते हैं हम लोग मारवाड़ी में भगोला। तो जी ये इसमें दूध दोहते हैं और पूरा दिन जो है ये लोग अपना जो है दिन गुजारते हैं और रोटी भी साथ ही में लेके घूमते हैं। और इसी में जो जब ये छोटे छोटे इनके बच्चे जो होते हैं जब ये दूध पीने लग जाते हैं अपनी माँ का तो ये लोग जो हैं दो के जो है ये अपना पी लेते हैं और अपना जो है पूरा दिन का जो है गुजारा ये लोग चलाते हैं। कैसे हो, तबीयत से ठीक है? ठीक, दूर से ना। शुक्र है जी। अच्छा भैया आप कहाँ से चल के आ रहे हो? चन्नन पीर से। हाँ। कितने दिन हुए हैं आप लोगों को वहाँ से रवाना हुए? चैत्र को। चैत्र मतलब को वो कौन सा महीना होता है चैत्र? कच्चे हाँ से लथे हैं आबादी। अच्छा, उस वक़्त से ये लोग जो हैं अपने घर से निकले हैं। हाँ। और अभी तक जो हैं मतलब कि आगे आगे चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। अच्छा भैया ये जो आप ये लेके घूम रहे हैं इसे भगोला कहते हैं या मुंगर कहते हैं या कोला कहते हैं? हाँ। ऐसे ही कुछ करके कहते हैं तो हमारी मारवाड़ी जुबान में जो है इसे भगोला कहते हैं, आप लोग जो है इसको मुंगर बोलते हैं। पानी पानी पीने है। पानी पानी भी पीते हो इसमें? पानी खीर। अच्छा मतलब इनका जब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इनको जब दूध पीते हैं तो आप लोग जो अपना गुजारा भी करते हो और साथ ही में उनके बच्चों का गुजारा भी करवाते हो। तो आज आपका कहाँ पर मिशन है रहने का, कहाँ पर रहोगे आज, किस जगह पर रहने का मिशन है आपका? बिताली हजार। अच्छा आज जो आपने बिताली हजार अड्डे पे रहना है? जी जी, अड्डे पे रहना है। अच्छा जी हमें परमिशन होगी कि जब आप दूध दोहते हो इसका? हाँ। तो हमें वीडियो बनाने दोगे, क्योंकि इस वक्त तो आप अकेले हो, जब दूध दोएंगे ना वो वाली वीडियो बनाने देंगे? शाम को वहीं पे आना पड़ेगा ऐसे ही ना? हाँ सही। तो जी शाम को जो है कुछ लाइफ जो है इवनिंग की लाइफ है वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये एक ऊँट है जिसे बोलते हैं ऊँट, बहुत बड़ा सा ऊँट है ये, इन लोगों ने जो है इनमें रहने के लिए ये वाला है जी न। अच्छा ये इनको चराने वाला होता है। सही है सही है। तो जी इनके बाद जो है ना हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनकी लाइफ भी पूछेंगे कि वो लोग जो हैं कितने दिन यहाँ पे रहने का जो है। ये आप देख सकते हैं जी इस तरफ कि ये लोग जो हैं आज इनको तकरीबन जो है चैत्र के महीने में जो है ये लोग घर से निकले हैं चैत्र के महीने में, जैसे कि गंदम जब काटी जाती है उस दिन से ये चन्नन पीर मेला जब जहाँ लगता है वहाँ से ये लोग रवाना हुए हैं और अभी तक जो है घूमते 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 आगे आगे जाएंगे, जैसे जहाँ पे इनको डेजर्ट की लाइफ जो मिलती है वहाँ पे ये लोग अपना रहन सहन गुजार बसेर जो है वहाँ पे करते हैं और दिन जो है इनकी ज़िंदगी के जो है वो गुजर रहे हैं। लेकिन बोला जाए तो ये इनकी लाइफ जो है ना बहुत ही अलग सी होती है जी। लोग जो हैं इस साइड पे जो हैं ये भैया जो हैं इनको पानी पिला रहे हैं, ये भी किसी के यहाँ जो है ये दाबरा कुंडा लेके आए हैं
और ये भी इनको पानी पिला रहे हैं। भैया तबीयत से ठीक है आपकी? ठीक। भैया कहाँ से आ रहे हो? चन्नणपीर से। मतलब कि आप जो भी जितने भी ऊँटों वाले आते हैं सबके सब जो हैं चन्नणपीर ही रहते हैं? मतलब कि आपकी जगहें वगैरह जो हैं सब कुछ वहीं पे बना हुआ है? अच्छा, मतलब कि तो फिर भी आप ऊँट लेके घूम रहे हैं, आपके रकबे भी हैं फिर भी आप ऊँट लेके घूम रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ ही ऐसी है। मतलब कि आपके ज़िंदगी के हालात ही ऐसे हैं, क्योंकि इनको नहीं चराएं तो आपका गुजारा नहीं चलता। मतलब गुजारा ऐसे नहीं, इन्हें माल को गा कौन पावे, कौन डाले। हाँ ये बात है अंकल की, जो है ना ये इतने इतने मवेशी गर्मी में, हाँ तो इतना तो चारा भी होता भी नहीं है। जैसे कि आपके पास 20 ऊँट हैं तो 20 पंडे लेके आएंगे तो फिर भी इनका गुजारा नहीं होता, नहीं होगा। तो ऐसे जो है ना ये लोग जो हैं घूम फिर के जो हैं इनका गुजारा गुजर बसेर जो हैं ये करते हैं। और ये जो पूरे के पूरे ऊँट होते हैं ना गाइस, तो इनसे जो है ना ये लोग ये किक्कर के पत्ते हो गए, टाली के पत्ते हो गए, ये ऊँट जो हैं वहीं से ये अपना खाते हैं पीते हैं और अपना गुजारा जो है कर लेते हैं। तो इनकी लाइफ जो है ना एक अलग सी होती है। तो ये लोग कहते हैं जी हमारी लाइफ जो है ना एक अलग किस्म की होती है, मतलब कि हमारी ज़मीनें भी हैं, हमारी जगहें भी बनी हुई हैं, हमारा सब कुछ बना हुआ है, लेकिन हमने जो है ना इतने जानवर रख के जो हैं हम लोग जो हैं इसका घास फूस जो है वो बना नहीं सकते। ऐसे ही चलते फिरते जो है इनका भी टाइम पास हो जाता है और हमारा भी टाइम पास हो जाता है, और इनकी ज़िंदगी भी आसानी से गुजरती है और हमारी ज़िंदगी जो है वो भी आसानी से ही गुजर जाती है। तो इनकी लाइफ में जो है ना गाइस बहुत ही एक अलग सा फीलिंग जो होती है कि ये लोग चन्नणपीर से चलते हैं, और जैसे कि गंदम काटने के मौसम में ये अपने घर से निकलते हैं, और तकरीबन जो है पूरी की पूरी जब सर्दी होती है तब ये लोग अपने घर को जाते हैं, और इसी के बाद जो है ये लोग अपना गुजारा जो है करते हैं। तो जी ऐसे कुछ करके ये जो जानवर होते हैं ना ऐसे ही, इनको घास तो नहीं डाला जाता है, लेकिन ये जानवर ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे जो होते हैं उनको चारा डाला जाता है, और कुछ जो ये ऊँट होते हैं उनको जो है ऐसे ही आदत होती है चरने की। तो जी ये ऐसे ही दरख्तों के जो पत्ते होते हैं ना, ये दरख्तों के पत्ते ही जो खा के जो हैं ऐसे कुछ, ये ऐसे दिखाएँ ऐसे कुछ पत्ते जो है ये जानवर खाते हैं, और इनका गुजारा जो है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हो जाता है। तो जी ये है जी ऊँटों वालों की लाइफ। तो जी कैसी लगी आपको ये ऊँटों वालों की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुँच सके। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए ब्लॉग में।